My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से चैप्टर 5-year प्लान्स, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड द शॉर्ट टर्म गोल्स। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स दोनों की स्टडी करने वाले हैं। क्या होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स? पहले हम लॉन्ग टर्म गोल्स स्टडी करेंगे। ये वो कॉमन गोल्स होते हैं जो 5-year प्लानिंग के दौरान हमने अचीव करने हैं। इन्हें हम कॉमन गोल्स कहते हैं। ये वो ऑब्जेक्टिव हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन की प्लानिंग के अंदर हमें प्राप्त कर लेने हैं, हमें अचीव कर लेने हैं। तो ये गोल्स कहे जाते हैं 5-year प्लानिंग के गोल्स, अर्थात लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। इन्हें लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कहा जाता है। कौन कौन से हैं लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के हमारे ऑब्जेक्टिव्स? पहला है जीडीपी ग्रोथ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ। क्या होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए नेशन बाय ऑल द फर्म्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में जितनी गुड्स और सर्विसेज को देश की सारी फर्म्स, देश के सारे उत्पादक मिलकर बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है देश की जीडीपी। अर्थात जीडीपी का रिलेशन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से है। एक साल में कितना गुड्स और सर्विसेज का फ्लो आया, उस चीज को हम कहते हैं जीडीपी। प्यारे बच्चों, आप तो जानते हैं कि जीडीपी का बढ़ना होता है इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड था हमारा, जो हम लंबे समय में प्राप्त करना चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो, अर्थात हमारे देश में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो बढ़े। अगर गुड्स और सर्विसेज हमारे देश में बढ़ेंगी तो उससे हमारी पर कैपिटा जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ेगा। जिस देश में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती हैं, वहां के लोग जो है उतने ही ज्यादा फैसिलिटेट होते हैं। जी हाँ मेरे बच्चों, तो हमारा उद्देश्य यही था लॉन्ग टर्म में कि हम जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज कर लें ताकि उसके कारण हमारी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ जाए, और गुड्स और सर्विसेज के फ्लो के बढ़ते ही हमारे देश को ज्यादा गुड्स और हमारे देश के लोगों को ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी। अर्थात क्या बढ़ेगा साथ में? एक तो नेशन का प्रोडक्ट बढ़ेगा और दूसरा साथ में हमारा घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, दूसरा साथ में पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी। अब पर कैपिटा जीडीपी कैसी है? पर कैपिटा जीडीपी का मतलब हो गया हमारे लिए पर कैपिटल इनकम का बढ़ना, अर्थात प्रति व्यक्ति जो है हम ज्यादा गुड्स और सर्विसेज उनको दे पाएंगे, उनको फैसिलिटेट कर पाएंगे। दूसरा उद्देश्य क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। हमारी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, जो हमारी 5-year प्लानिंग थी, उसके अंदर हमने फुल एम्प्लॉयमेंट का एक ऑब्जेक्टिव रखा। क्या होता है फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जितने लोग काम करने की विलिंग है उन सबको काम करना, काम मिल जाना चाहिए। Those who are able to work and want to work, they may get the work. इसमें ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, नहीं, यहां भी बेरोजगारी होती है। पूर्ण रोजगार का मतलब कभी भी ये नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि सभी लोगों को काम मिल गया है। इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे लोग यहां ऐसे भी होंगे, या तो वो हैंडीकैप है या फिर काम करने की विलिंग नहीं है, उन लोगों को काम नहीं मिले। हैंडीकैप काम नहीं कर सकता इसलिए काम नहीं मिला, जो काम करने की विलिंग नहीं है एग्जिस्टिंग प्राइस पर, वेज रेट पर, उन्हें भी काम नहीं मिलेगा। अब जो काम ना करना चाहे उसको हम कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ले आएंगे? तो मेरे बच्चों, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है द पर्सन दोज हु आर एबल टू वर्क एंड वॉन्ट टू वर्क दे मे गेट द वर्क। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, सोशल ऑब्जेक्टिव था। समाज में लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों का ध्यान दूसरी गलत एक्टिविटी की तरफ कम जाएगा, अराजकता की तरफ कम जाएगा, दंगे फसाद देश में कम होंगे। हम चाहते थे कि हमारे देश की 5-year प्लानिंग ऐसी हो कि देश के लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करना, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्रकार की इंडस्ट्री को लगाना ताकि एम्प्लॉयमेंट के अवसर जनरेट होते रहे। होगा तो ये धीरे धीरे, शॉर्ट टर्म में अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के अवसर पैदा करेंगे तो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे पहली से लेके सातवीं जो हमारी बल्कि आज तक की जो 5-year प्लानिंग का हमारा मेन मोटो था वो फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था। इसके थ्रू काफी इंडस्ट्री जनरेट हुई और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। प्यारे बच्चों,
तीसरा लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव क्या था? तीसरा लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइजेशन। अब आप जानते हो कि मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या होता, इट रेफर्स टू अपडेशन एंड द एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द पाथ ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ करने के रास्ते में, ग्रोथ करने के लिए अगर हम अपडेशन लें, नई टेक्नोलॉजी को अपडेट करें, नई टेक्नोलॉजी को एडोप्ट करें, नई आईटी सेक्टर में जाएं। आईटी सेक्टर के अंदर आपको पता है इंडिया का बहुत नाम है, इंडिया के लोगों ने आईटी सेक्टर के अंदर अपना पूरा कंसंट्रेशन किया, उसकी वजह से सॉफ्टवेयर जितने ज्यादा डेवलप होते हैं इंडिया में उतने शायद कहीं भी नहीं होते। और जितने भी अमेरिका में आईटी ऑफिसर हैं या आईटी एग्जीक्यूटिव हैं वो सारे के सारे इंडियंस ही हैं, ऑलमोस्ट इंडियंस हैं। तो मेरे बच्चे, अगर मॉडर्नाइजेशन अपनाना है तो हमें अपडेशन और एडॉप्शन करना होगा नई टेक्नोलॉजी का, ताकि हम उस रास्ते पे जा सकें जहां से हमें जो है साइंस की और टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो जाए। अब साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। अब इसरो का नाम आपने सुना होगा, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया का महान कंट्रीब्यूशन है कि उसके नाम सबसे ज्यादा सैटेलाइट इशू करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक दिन में 100+ सैटेलाइट उसने लॉन्च किए हैं, जो कि अपने आप में गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो मेरे बच्चों, ग्लोबल आईटी के अंदर रिवोल्यूशन भी अगर है तो उसमें भी इंडियंस का योगदान सराहा जाता है, बहुत ज्यादा माना जाता है। इस तरह लॉन्ग टर्म उद्देश्य था हमारा जीडीपी की ग्रोथ को करना, फुल एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा करना, मॉडर्नाइजेशन करना, शहरों को बसाना, नई एजुकेशन को लाना। अब जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन करते चले जाएंगे, अपडेशन होती चले जाएगी, शहर बसते चले जाएंगे, लोग जागरूक होते चले जाएंगे, एजुकेशन में फैलती चली जाएगी, मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाएंगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, बैंकिंग सेक्टर बढ़ेगा, इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ेगा, और बहुत सारी नई चीजें आईटी के क्षेत्र में वो भी आएंगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए इंस्ट्रूमेंट आएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, बहुत सारा कुछ ऐसा होगा जो आईटी क्षेत्र में जाने के बाद हम हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आज का युग साइंस और टेक्नोलॉजी का ही युग है। अगला हमारा लॉन्ग टर्म का उद्देश्य था सेल्फ सफिशिएंसी। बेटा आपको मैं सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। 1965 में क्या हुआ, 1965 तक अपना इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के बाद 1965 तक हम लोग इंपोर्ट करते थे गेहूं का। जी हाँ, हम लोग गेहूं का इंपोर्ट करते थे और अमेरिका हमें एक्सपोर्ट करता था गेहूं का, वो गेहूं हमारे खाने के लिए हमें देता था, वो फूड ग्रेन्स हमें देता था। 1965 में उसने आके स्टॉप कर दिया कि मैं इंडिया को डॉलर में पैदा होने वाला अनाज सस्ते दामों पर नहीं दूंगा, इसकी बजाय तो मैं अपना अनाज समुद्र में फेंकना मंजूर कर लूंगा, लेकिन मैं डॉलर में उगाया गया अनाज रुपेज में इंडियंस को नहीं दूंगा। बताओ, इंसान इंसान के काम नहीं आता, देश देश के काम नहीं आता, ठीक है। तो हुआ क्या, इंडिया ने फिर सोचा क्यों ना, इसके बाद ही हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। हमने फिर ये सोचा कि अपने देश के अंदर अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, तो इंडियंस ने कोशिश की, HYV सीड्स जो है इंडिया में आए, अच्छा उत्पादन हुआ, और उसकी बदौलत जो है हम आज अनाज के अंदर पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हैं। अब हम गेहूं का आयात नहीं करते हैं, बल्कि जिस किसी कंट्री को जरूरत होती है, पाकिस्तान जैसी कंट्री को भी, तो हम उसकी सहायता के लिए गेहूं दे सकते हैं। बहुत बहुत सारे फूड ग्रेन्स के अंदर हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की, हमने गेहूं का और चावल का प्रोडक्शन 5 से 6 स्टेप तक इंक्रीज कर लिया। तो मेरे बच्चे, हमारा उद्देश्य सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त करना था, जिसमें हम काफी हद तक कामयाब हुए, लगभग 99% तक कामयाब हुए। एक और हमारा लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव है और वो था इक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की इक्वालिटी। आपको तो पता है जिसके पास पैसा होता है उसके पास ज्यादा पैसा आता है, जिसके पास कम नहीं होता, कम होता है पैसा उससे कम या होता है। आखिर मैं कहना यह चाहता हूं, पैसे से पैसा बनता है। ये जो अमीर और गरीब के बीच में खाई है ना, अमीर के पास पैसा है वो अपनी इंडस्ट्री लगा के और पैसा बना लेता है। आपको तो पता है इंडिया के अंदर 20 घराने ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, सारी इंडस्ट्री है, और देश की 80% इनकम उन 20 घरानों के पास चली जाती है। लेकिन 20% लोग और 80% लोग ऐसे हैं जो देश की केवल 20% इनकम का ही यूज कर पाते हैं। तो मेरे बच्चों, हम चाहते थे कि जो अमीर और गरीब के बीच में खाई है वो आय की असमानता जो है वो कम किया जाए। इसके लिए हमने अपने टैक्स सिस्टम को डेवलप किया कि जो अधिक कमाता है उससे अधिक टैक्स ले लिया जाए, जो कम कमाता है उसे सब्सिडी दे दी जाए, या उसको किसी प्रकार से टैक्स की छूट से
दूर रखा जाए। तो हमारा मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम ऐसा हो गया कि इसमें हमने बहुत हद तक समाज के अंदर अमीर और गरीब की खाई को कम करने की कोशिश की है। ये हमारी फास्ट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थी, अब बारी आती है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की। मेरे बेटा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव थे जो प्लेस के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग थे। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो थोड़े समय में अचीव करने होते हैं, साल भर में अचीव करने हैं, छह महीने में अचीव करने हैं, एक टारगेट अचीव करेंगे दूसरा फिर पकड़ेंगे। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे थे, लॉन्ग टर्म तो कॉमन है जो देश की प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, परंतु शॉर्ट टर्म ग्राउंड की रियलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जैसे किसी भी प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, जैसा भी प्लेस हमें मिला है, जैसी ही ग्राउंड रियलिटी है उसके हिसाब से रोजगार के साधन पैदा करना, उसके हिसाब से प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का बढ़ाना, उसी हिसाब से इंडस्ट्री की स्थापना करना, उसी प्रकार से फूड ग्रेन्स के अंदर सेल्फ सफिशियंसी प्राप्त करना, इस तरह से मेरे बच्चों शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बहुत से ऑब्जेक्टिव थे। शॉर्ट टर्म गोल्स वो गोल्स होते हैं जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हमें प्राप्त करने होते हैं, और इनकी स्टडी हम कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। ये वो जो है ऑब्जेक्टिव है जो हमें करंट में जरूरत है देश के अंदर, वर्तमान वर्ष के अंदर या वर्तमान जरूरतें हैं ये हमारी जिन्हें हमें पूरा करना ही करना है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर। ये बहुत लंबे समय में अचीव नहीं किए जाएंगे, ये छोटे छोटे टाइम पीरियड के बाद अचीव किए जाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे टारगेट जैसे पूरे होंगे तो इनसे मिलकर ही हमारा ये बड़ा टारगेट जो है लॉन्ग टर्म वाला जो है वो पूरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये कौन कौन से थे जो करंट नीड के अकॉर्डिंग थे ऑब्जेक्टिव? पहले जैसे ही हमने इनिशिएट किया किसका, फाइव ईयर प्लान्स का, तो पहले ही प्लान्स में दो ऑब्जेक्टिव रखे हमने। पहले प्लान्स में पहला रखा शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स जो है उसको पूरा करना है, अर्थात एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ताकि फूड ग्रेन्स के मामले में हम लोग अपने पैरों पर स्टैंड हो सके। पहले प्लान से ही कोशिश थी कि हम सेल्फ सफिशिएंसी को प्राप्त कर लें फूड ग्रेन्स के अंदर, तो जो फूड की शॉर्टेज आ रही है उसको पूरा करना है। लेकिन करते 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 पहले दूसरे तीसरे प्लान पर हम काफी आगे तक चल गए और एक दिन हमारे पास ग्रीन रिवॉल्यूशन का सॉल्यूशन मिल भी गया। तो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स ये फर्स्ट ईयर का प्लान था, फोकस ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। अब एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट था, आपको पता है हम रॉ मटेरियल सप्लाई करने लग गए थे ब्रिटेन को जब हम उसके गुलाम थे। तो मेरे बच्चे हमने कोशिश करी कि एग्रीकल्चर में जो छुपा हुआ अनडिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वहां से लोगों को निकाले, वहां जितने लोगों की जरूरत है वहां उतने लोगों को रखे, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बना रहे उतने लोगों से भी बना रहेगा, बल्कि बहुत ज्यादा फालतू लोग इंगेज थे उसमें, हमने उनको इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया। ये भी हमने फर्स्ट प्लान से करना शुरू किया था, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, साथ में वहां से लोगों को शिफ्ट करना इंडस्ट्री के अंदर। और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था? गरीबी को खत्म करना। हमने जैसे ही फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशियंसी प्राप्त करी, उसके बाद हमारा उद्देश्य था फिफ्थ और सिक्स्थ प्लान के अंदर, फिफ्थ और सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान के अंदर कि हम गरीबी को खत्म करें, जो आज तक हम कोशिश करते आ रहे हैं और काफी हद तक सक्सेस हो गए हैं। पहले पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा था, अब की बार पॉवर्टी रेट जो है 19-20% है टोटल पॉपुलेशन का, पहले 56% हुआ करता था 1947-48 में, शायद इससे भी ज्यादा लोग गरीब थे। ये 1956 का डाटा है कि 56% लोग जो है बीपीएल थे, बिलो पॉवर्टी लाइन थे, आज 19-20% लोग हैं, शायद इससे भी कम। तो मेरे बच्चों हमने काफी हद तक पॉवर्टी को मिटाने में और इनकम की इनइक्वलिटी को दूर करने में बहुत सफलता प्राप्त की है। ये हमारी फाइव ईयर प्लानिंग ही है जिसकी वजह से हम लोग इस बार इस चीज को प्राप्त कर पाए हैं। और शॉर्ट टर्म गोल था जनरेशन ऑफ मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। हम चाहते थे शॉर्ट ड्यूरेशन में कभी इस स्टेट के अंदर इंडस्ट्री लगे, कभी इस स्टेट के अंदर इंडस्ट्री लगे, कभी इस स्टेट के अंदर इंडस्ट्री लगे, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग प्रकार के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, करंटली नीड के हिसाब से हमने इंडस्ट्री विकसित करी। कहीं पे सीमेंट का प्लांट लगाया, कहीं पे कपड़े का उद्योग लगाया, कहीं पे स्टील का उद्योग लगाया, जैसे जैसे जहां जहां की जरूरतें थी, जहां जहां जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमें मिल रहे थे उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर रहे थे और वहां पे इंप्लॉयमेंट जनरेट करते जा रहे थे। और ये हमने सब किया था जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये हमने किया था सेवंथ प्लान के अंदर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था सेवंथ प्लान के अंदर। अब प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये वाला हमने करा था फोर्थ प्लान से स्टार्ट। देश में महंगाई ना बढ़े, महंगाई को कंट्रोल करने के प्रयास जो थे, ये हमारा उद्देश्य था कि हम महंगाई को कंट्रोल करके रखेंगे, फोर्थ प्लान से ही हमने कह लिया था, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी उसी हिसाब से वस्तुओं का उत्पादन उतना नहीं बढ़ा था, इसलिए प्राइस में स्टेबिलिटी की बजाय प्राइस इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा था, हमने उसको रोकना था, प्राइस की स्टेबिलिटी को कायम करना और साथ में देश के रिसोर्सेज का भरसक प्रयोग करना,
और हमने किया भी और ग्रीन रेवोल्यूशन आया भी और प्रोडक्शन पड़ा। प्यारे बच्चों, अब जो हमारे पास प्लान था 10th, उसके अंदर हमने कोशिश की कि हम लोगों को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ का ऑब्जेक्टिव दे सकें और काफ़ी हद तक हम इसको करने में सक्सेस रहे। तो ये हमारे प्लान्स थे, कुछ लॉन्ग टर्म के 4, 5, 6, कुछ ये 5, 6 प्लान थे हमारे शॉर्ट टर्म के। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बाकी आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।